Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new section. In this section, we'll be seeing question based on what? Regression coefficient and regression equation pe and method of least square, maybe. Okay? So, yahan pe, we see over here. We start with the next question, that is question number 3. Now, the following data is given for marks of 10 students in two subjects, history and geography. Average marks in history is 65. Standard deviation of marks in history is 4.3. Average marks in geography is 39. Standard deviation of marks in geography is 1.2. Coefficient of correlation is 0.75. Now, main itna bol dunga. Let marks in history be represented by what? X. And marks in geography be represented by what? Y. ठीक है, तो अगर इतना बोलता हो तो जब वर्ड यूज किया एज एवरेज, मतलब ये x बार हो जाएगा और y बार हो जाएगा. स्टैंडर्ड डिविएशन वर्ड यूज किया है तो सिग्मा x और सिग्मा y हो जाएगा. एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज किया है तो r हो जाएगा. तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा, ये है 65, ये 4.3 है, उसके बाद 39 है, 1.2 है, एंड ये है 0.75. अब यहां पे मुझे बोला गया है एस्टीमेट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ अ स्टूडेंट सिक्योरिंग 37 मार्क्स इन ज्योग्राफी. अच्छा, मार्क्स इन हिस्ट्री बोला है, हिस्ट्री मतलब एक्स जोड़ना है जब वाई का वैल्यू क्या है 37. सेकेंड पार्ट पूछा है मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑफ अ स्टूडेंट विद 60 मार्क्स इन हिस्ट्री, मतलब मुझे पूछा है वाई जब x दिया है, मतलब कहने से यहाँ पे भी केस है दोनों, दैट इज x ऑन y एंड y ऑन x दोनों. ठीक है, पहले x ऑन y है तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा bxy. अब मैं वापिस वर्ड यूज करूंगा, सिंस r सिग्मा y सिग्मा x मालूम है इसलिए मैं ढूंढूंगा पहले bxy बाय द सेकंड फॉर्मूला. तो r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y आएगा 0.75 इनटू सिग्मा x 4.3 अपॉन 1.2. ठीक है, इसका कुछ तो वैल्यू आएगा. सेम वे मुझे यहाँ पे बी वाई एक्स भी ढूंढना है तो आर लिखूंगा सिग्मा वाई लिखूंगा अपॉन सिग्मा एक्स आएगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.75 इंटू 1.2 अपॉन 4.3. ठीक है, सो अब मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 0.75 इंटू 4.3 डिवाइड बाय 1.2. सो इसका आंसर आता है एस 2.6875. ठीक है, जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा टू 2.69. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 0.75 इनटू 1.2 डिवाइड बाय 4.3. इसका आंसर आ जाएगा 0.2093. इसको राउंड ऑफ करके तो ये 0.21 हो जाएगा. ठीक है, दो डेसिमल तक राउंड ऑफ किया है तो बी एक्स वाई मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया. अब मुझे यहां पे लिखना होगा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. एक्स माइनस व्हाट इज एक्स बार, तो एक्स बार का वैल्यू है 65. दिस इज इक्वल टू 2.69 इंटू वाई माइनस वाई बार. व्हाट इज वाई बार का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा 39. ठीक है, ये हो जाएगा 2.69y माइनस इसका कुछ तो आंसर आएगा एंड इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 65, तो मुझे यहां पे मिलेगा x. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा 2.69 इंटू 65 होगा, सॉरी 39 होगा इंटू 39, तो ये हो जाता है एज व्हाट 104.91. ठीक है, सो अब मैं ऐसा बोलूंगा ये हो जाएगा 2.69y माइनस 39.91. ठीक है, ये हो जाएगा x का वैल्यू. ठीक है, ये कंडीशन हो गया. अब सिंस मुझे ये कंडीशन मिला है, अब मुझे बोला गया है कि जब y का वैल्यू कितना है, मतलब उसको ज्योग्राफी में आया है 37, तो हिस्ट्री का मार्क्स पूछे, तो ये हो जाएगा 2.69 इंटू 37 माइनस 39.91. अब मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 2.69 इंटू 37 जो देगा मेरे को 99.53.
-39.91। अच्छा -39.91 लिखूंगा। सो इसका आंसर आता है व्हाट, 59.62। ठीक है, नाउ सिंस ये उन लोग ने मार्क्स दिया है, एंड मार्क्स में उन लोग ने 65-39 ऐसा वैल्यू दिया है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज सेम एज व्हाट, सिक्योरिंग 60 मार्क्स। सिक्योरिंग व्हाट, 60। मैंने इसके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ किया, ठीक है 60। अब यहाँ पे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई के जगह पे ये आ जाएगा एज व्हाट, बी वाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे पूछा वाई है जब एक्स दिया है, तो इधर वाई माइनस क्या आएगा 39, इधर क्या आएगा 0.21 इंटू एक्स माइनस क्या आएगा 65, ये हो जाएगा 0.21 एक्स माइनस, और ये वाला जो टर्म आएगा वो आएगा प्लस 39। ठीक है, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ वाई। तो अभी मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं 0.21 इंटू 65 होने वाला है, तो इंटू क्या करेंगे 65, सो इसका आंसर आ जाएगा 13.65। ठीक है, ये माइनस है, अब 0.21 एक्स लिखूंगा, ये वाई लिखूंगा। अच्छा 39 माइनस 13.65 करके तो हमको आंसर मिलेगा इस व्हाट प्लस 25.35। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे दिया गया है व्हेन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक्स इज इक्वल टू क्या मार्क्स दिया उन लोगों ने, कि उसको मार्क्स इन क्या है ज्योग्राफी ऑफ अ स्टूडेंट ढूंढना है जब एक्स में 60 मार्क्स आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई इज इक्वल टू 0.21 इंटू क्या आएगा 60 प्लस 25.35। This is equal to, मैं ऐसा बोलूंगा ये हो जाएगा 0.21 into 60, 12.6 हो जाएगा प्लस 25.35। सो यहाँ पे प्लस 25.35 आएगा, सो ये जो है वो है 37.95। सो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, दैट इज 38। ठीक है, विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। We'll start with the next question, that is question number 4. For a bivariate data, x bar का value है 43, y bar का value है 37. ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं this is question number 4, x bar, y bar. I'll write the value as 43 है, 37 है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, ए जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला है, वाई ऑन एक्स द मीनिंग ऑफ द इज बी वाई एक्स का वैल्यू दिया है, एंड मैं ऐसा बोलूंगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसका मतलब होता है बी एक्स वाई। ठीक है, अभी y ऑन x तो इसका आंसर होता है 0.59, 0.72। ठीक है, ये वैल्यू है, एंड इसके बाद मुझे बोला गया है कि x बार दिया है y बार दिया है, ये कंडीशन दी है। ठीक है, आई विल रीड फर्दर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 50, व्हेन x इज इक्वल टू क्या है 50 With the help of regression equation of y on x, the value of x when y is equal to 40 using the equation of x on y. And third part bola hai, the coefficient of correlation. Now, mujhe ek cheez samajh mein aana chahiye, since x bar pata hai, y bar pata hai. Regression coefficient pata hai, iska matlab main yahan pe likhunga byx pata hai, bxy pata hai. Now, since मुझे BYX and BXY ये दोनों values पते हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरे को जो first part solve करना है उसमें मैं लिखूंगा क्या कि उन लोग ने बोला है कि with the help of regression equation of y on x, मतलब मुझे पूछा गया है value of y, तो since मुझे वो value पूछा है मैं लिखूंगा y minus y bar is equal to BYX into x minus x bar, तो y minus what is y bar, तो मैं लिखूंगा 37 is equal to BYX का वैल्यू है 0.59 इंटू एक्स माइनस एक्स बार, मतलब ये आ जाएगा 43, ये हो जाएगा 0.59x माइनस
अच्छा 0.59 × 43, ठीक है, वो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0.59 × 43 हो जाएगा 25.37, ठीक है, विद माइनस साइन, एंड ये आ जाएगा प्लस 37, तो y इज इक्वल टू 0.59x, और मैंने क्या बोला यहां पे, तो ये हो जाएगा प्लस 11.63, ठीक है। अब उन लोग ने क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट y, जब x का वैल्यू क्या है 50, तो मैं ऐसा लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.9 × क्या आएगा 50 प्लस 11.63, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं कि 0.59 × 50 किया तो आंसर आ जाएगा 29.5 प्लस 11.63, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा y, सो प्लस 11.63, तो ये मुझे आंसर देगा इज व्हाट 41.13, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो है x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अच्छा ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला है यूजिंग इक्वेशन ऑफ x ऑन y हमें वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, ऑफ x जब y का वैल्यू क्या है 40, तो यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा इट इज x माइनस क्या आएगा 43 इज इक्वल टू 0.72 इंटू वाई माइनस वाई बार का वैल्यू है 37, 0.72 y माइनस 0.72 इंटू 37 उसका जो आंसर आया प्लस 43, ठीक है, ये हो जाएगा x। अच्छा अब कैलकुलेट करते हैं पहले 43 × 0.72, ठीक है, तो ये मुझे आंसर देगा 37 ये मुझे आंसर देगा 26.64, ठीक है, ये हो जाएगा 0.72 y। अच्छा ये माइनस प्लस बट प्लस आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 43 है, ठीक है, तो 43 − 26.64 होगा जिसका आंसर आता है 16.36, ठीक है। अब उन लोग ने बोला है कि ढूंढो x जब y का वैल्यू क्या है 40, तो x इज इक्वल टू 0.72 × 40 प्लस 16.36, तो मैं ऐसा बोलूंगा 0.72 × 40 ये हो जाएगा 28.8 प्लस 16.36, ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा 28.8 है प्लस 16.36 है, ये हो जाएगा 45.16 एंड दिस इज माय वैल्यू ऑफ क्या है x। ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, एंड मुझे क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट बोला गया था एंड वो है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड मैंने तुमको बताया था कि जब मुझे BYX और BXY पता है तो मेरा वैल्यू ऑफ R जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो होता है R, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस माइनस अंडर रूट BYX × BXY, इसको मैं लिखूंगा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, मैं लिखूंगा इसको 0.59 × 0.72, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे 0.59 × 0.72 करूंगा, ठीक है, इसका जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, तो मुझे आंसर आता है 0.65176, ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको लिख सकता हूं 0.65, ठीक है। अब याद रखना है यहां पे मैं लिखूंगा R एंड यहां पे मैंने कोई भी साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस होता है, अब तक मैं यहां पे प्लस और माइनस लिखता था, मैंने ऐसा बोला था BYX और BXY का जो साइन है, अच्छा इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव साइन है, तो यहां पे भी मैंने इसके आगे कोई भी साइन नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव है, तो यहां पे मुझे लिखना होगा सिंस BYX और BXY आर पॉजिटिव देयरफॉर आर इज ऑल्सो क्या आएगा पॉजिटिव। विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। We'll start with the next question, that is question number 5. We'll read the question. For a bivariate distribution, x bar is equal to 25.3, y bar is equal to 152.4.
ठीक है, तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं x बार, यहां पे मैं लिख देता हूं y बार। उसके बाद मुझे दिया गया है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। जब स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है मतलब सिग्मा x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बोला है मतलब सिग्मा y। ठीक है, तो ये है 1.8, 5.7। x बार का वैल्यू जो दिया है वो था 25.3 है। y बार का जो वैल्यू दिया है वो है 152.4। सिग्मा x सिग्मा y हो गया। अब एड को इफिशियंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, दैट इज r, जो है 0.82। ठीक है, अब फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन बोला है, एन एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 24 एंड x व्हेन y इज इक्वल टू 145। अच्छा, मतलब मुझे दोनों कंडीशन ढूंढना है, तो यहां पे मैं वापस लिखूंगा डी वाई एक्स लिखूंगा एक साइड पे, और एक साइड पे क्या लिखूंगा डी एक्स वाई। अच्छा, बी वाई एक्स आर मान लो, सिग्मा वाई मान लो, सिग्मा एक्स मान लो, वो फॉर्मूला यूज किया, आर मान लो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, आर का वैल्यू है 0.82 इंटू सिग्मा वाई 5.7 अपॉन 1.8। 0.82 into 1.8 upon 5.7। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा इट इज y माइनस y बार आएगा विच इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू x माइनस क्या आएगा x बार। ठीक है, यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा इट इज y माइनस क्या लिखूंगा y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू x माइनस x बार, एंड इधर मैं लिखूंगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। मतलब मैंने क्या किया, सब फॉर्मेशन रख दिया है, अब खाली क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा 0.82 इंटू 5.7, इसका जो आंसर आया उसको डिवाइड करूंगा बाय 1.8। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 2.596666। इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 2.60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइव या फाइव से ज्यादा है तो ये राउंड ऑफ किया तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा, दैट इज 60 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका वैल्यू, सो इसके लिए मैं लिखूंगा 0.82 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 5.7। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0.2589। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा ये हो जाएगा 0.26। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या लिखा, वाई माइनस वाई बार, तो y माइनस व्हाट इज y बार 145 पॉइंट क्या लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 2.60 इज सेम एज 2.6, चाहिए तो हम लिख सकते हैं 0। x माइनस व्हाट इज x बार, तो मैं लिखूंगा 25.3, ये हो जाएगा 2.6x माइनस। अच्छा, इधर मैं ऐसा लिखूंगा 2.6 इंटू 25, 2.6 इंटू क्या बोला 25.3। ठीक है, इसका आंसर आता है 65.78, एंड ये जो है वो y आ जाएगा प्लस 145.2। ठीक है, तो मुझे वैल्यू ऑफ y मिलेगा। अब मैं ऐसा बोलूंगा 145.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.66 प्लस, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो उसका साइन आएगा एस 79.42। ठीक है, सेम वे इधर मैं लिखूंगा यहां पे इट इज x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार था। ठीक है, तो x माइनस क्या आएगा 25.3, इधर 0.26 इंटू वाई माइनस वाई बार मतलब 152 है 0.4। यहाँ पे मैंने 152 लिखना है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इट इज 152.4 है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, इट इज 152 क्या आएगा 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ इट इज 152.4 माइनस मुझे क्या करना है 65.78। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86.62। ठीक है, इधर ये हो जाएगा 0.26y माइनस और ये हो जाएगा प्लस 25.3। ठीक है, ये मेरे को देगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा 152.4 इंटू 0.26 आएगा 0.26।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 39.624 प्लस 25.3, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.26y माइनस 39.62 प्लस 25. क्या आएगा 3, ठीक है, तो 0.26y. अब मैं ऐसा बोलूंगा 39. कितना आता 62 माइनस में है और 25.3 प्लस में है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस 14.32, ठीक है, ये हो गया एक्स. अच्छा, अब उन लोग ने क्या बोला था, हमें वैल्यू ऑफ एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाई, अच्छा वाई ढूंढना है जब एक्स का वैल्यू, तो मैं यहां पे लिखता हूं व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 24, वाई पूछा तो इट इज 2.6 इंटू 24 आएगा प्लस 86.62 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 86.62 इधर 2.6 इंटू 24, सो इसका आंसर आ जाएगा 62. क्या आएगा 4, ठीक है, 62.4 प्लस 86.62 लिखेंगे, ठीक है, आंसर फॉर दिस इज 149.02, ये हो गया वाई, ठीक है. अब यहां पे पूछा गया है व्हेन वाई इज इक्वल टू, अच्छा पूछा एक्स, या पूछा है एंड एक्स व्हेन वाई इज 145, तो इधर मैं लिखूंगा 145, 0.26 इंटू 145, तो यहां पे 0.26 इंटू 145 लिखता हूं, ठीक है, तो इसका आंसर आता है इज व्हाट 37.7 माइनस 14.32. ये हो जाएगा 23.38, ठीक है, विद दिस हमें y का वैल्यू भी मिल गया एंड x का वैल्यू भी मिल गया. एंड कैन आई से विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड प्लीज रिवाइज व्हाटएवर कांसेप्ट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू सेक्शंस सो दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन इट इज इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो यहां पे विद दिस वी एंड दिस सेशन, थैंक यू.